ज्योतिर्मठ का विवाद इस ढंग से सुलझना चाहिए, वो सुखद हो और स्थायी हो। कोर्ट के माध्यम से इस कार्य की पूर्ति नहीं हो सकती, इसलिए मैं बहुत ही अपनत्वपूर्वक, उत्साहपूर्वक, आस्थापूर्वक, आह्लादपूर्वक एक अनुरोध करना चाहता हूँ। भारत में इस समय जो माननीय राष्ट्रपति हैं या राष्ट्राध्यक्ष महोदय हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो माननीय लोकायुक्त हैं, राजस्थान के जो माननीय लोकायुक्त हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश हैं और डॉक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी हैं, ये सब न्याय जगत के मूर्धन्य मनीषी हैं और रहे हैं। हमारा इनसे अनुरोध है कि ये पांचों महान भाव मिलकर सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से मठामनाय महानुशासनम और सेतु के हृदय की रक्षा करते हुए मान्य शंकराचार्य पीठों को लेकर ऐसा निर्णय दें कि भविष्य में यह न्यायालय के नाम पर कोर्ट का विषय न बन सके और उपहास का विषय न बन सके, ताकि भारत इन मान्य आचार्यों के माध्यम से अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा कर सके और भारत के ये मान्य आचार्य सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम् अमृतस्य पुत्राः सर्वं खलिदं ब्रह्म सर्वेषां मंगलं भूयात् स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, इस प्रकार के आदर्श को विश्व स्तर पर स्थापित कर सकें। एक संकेत में करना चाहता हूँ, जिन पांच महानुभावों का मैंने नाम लिया है वे विशेष रूप से इस तथ्य को जानते होंगे अथवा मेरे अनुरोध पर उस पर ध्यान देंगे कि इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। ये पांचों महान भाव आपस में सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से ऐसी व्यूह रचना करें, ऐसा मार्ग निकालें, चाहे पार्लियामेंट के माध्यम से ही वह क्रियान्वित हो, कि इस प्रकार की भविष्य में घटना न घटे। मैं मानता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय का बहुत बड़ा पद है, लेकिन माननीय शंकराचार्य का पद तो पोप महोदय या माननीय दलाई लामा आदि से भी ऊँचा है। ऐसी स्थिति में मैंने अपने अधिकार की सीमा में अनुरोध व्यक्त किया है। मुझे वेदना है कि इस पीठ के विवाद को लेकर सचमुच में भारत का अपकर्ष हुआ है और मैं राजनीतिक दलों के मूर्धन्य मनीषियों को यह भी कह देना चाहता हूँ कि यदि मान्य परंपरा प्राप्त वैदिक आचार्य दिशाहीन हो गए तो भारत दिशाहीन हुए बिना नहीं रह सकता, और वर्तमान में जो भारत की दिशाहीनता है उसके मूल में आचार्यों की उपेक्षा ही है या राजनीतिक दबाव उन पर डालने की प्रक्रिया भी इसमें हेतु है। मैंने बहुत ही आस्थापूर्वक, अपनत्वपूर्वक, सद्भावपूर्वक, अंतर्निहित वेदनापूर्वक जो संदेश प्रसारित किया है, भारत उसको समझेगा, यहाँ के नागरिक उसको समझेंगे, विशेषकर ये पांचों महानुभाव समझेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि जिस सामाजिक संस्थान से वे जुड़े रहे हैं एक स्वयंसेवक के रूप में, आज गौरव की बात है कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन संतों की उपेक्षा न करें, दलगत अपनत्व रखने वाले संतों को ही संत न माने, बल्कि सचमुच में मनवादी शास्त्र की परंपरा में जो मान्य आचार्य आते हैं उनको सम्मान देकर और जितने अराजक तत्व शंकराचार्य के रूप में घूम रहे हैं उन्हें नियंत्रित करने का अवश्य ही कदम उठावें। हर हर महादेव।